सपा विधायक संग्राम यादव हमारे साथ हैं। आज राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं सपा की स्ट्रैटेजी को? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यालय पर बुलाकर ही पूरी तौर पर माननीय जसवंत सिन्हा जी का समर्थन का ऐलान किया। और हम लोग समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने सिपाही हैं, तो हमारे नेता ने जो निर्णय लिया, हम उस नेता जी के निर्णय के साथ हैं। और हम क्या संपूर्ण विपक्ष पूरे देश में, और विपक्ष और सत्ता पक्ष दो धुरी होते हैं। लेकिन 1000 संख्या आपके साथ नहीं है, आपके अपने लोग ही नाराज हैं, क्योंकि मुलायम सिंह को ISI का एजेंट कहा था यशवंत सिन्हा ने। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी को क्या क्या कहा था इसी देश के अंदर, आपके चैनलों पर आके क्या कहा था, या भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या राय है, क्यों नहीं वो स्पष्ट कर देती? ये कुछ लोग हैं जो रात के अंधेरे में डील होती है कि सुबह मीडिया में क्या कहना है, क्या चीज़ देश के अंदर भ्रम पैदा करना है। अरे, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, देश की सर्वोच्च कुर्सी का चुनाव है। आइए हम सब मिल करके देश के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, और देश की सीमाओं जो हमारी योजनाएं आ रही है, इस पर बहस करवाइए। आप खेमे में तो फूट पड़ी चुकी है, ओम प्रकाश राजभर अलग हो चुके हैं इस चुनाव से, हमारी पार्टी के हैं, सहयोगी तो हैं आपके, तो सहयोगी हैं तो उन्होंने कहा हमारा गठबंधन नहीं टूटा है, वो किसी आधार पे हैं तो आपसे बता ही चुके हैं, तो उस पर हम क्या कहें? हम तो यही कहेंगे जो ये दरवाजे बंद हैं इनको खुलवाइए और मानसून सत्र चलवाइए, एक महीने बहस हो, अब बहस के बाद ये सभा है, ये विधानसभा है, ये दरवाजा बंद करने की नहीं है, तब उसमें बात की जाए। धन्यवाद। तो ये थे संग्राम यादव, उनका कहना है कि BJP जो है वो प्रोपोगेंडा फैला रही है और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रपति के चुनाव में सपा के लोग एकजुट हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।